गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री तीनोपुरी धाम की, श्री चरणदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को करुधनी प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी ना श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रथम लागू दो चरण को धनियन छुड़ाइयो खिने लांके तनी लाल एरिया मेरे जीव के यही प्यारे मेरे प्राण को मोहे पल छोड़ो जिने में पाई मेहर महबूबे की मेरे जीव के यही जीवन तुम आई सबे आईया दुखी गया सबे दूर कहे श्री मामत ये सुख क्यों कहूं जो दिया मुले अंकुर कदमो लाग करूं सिजदा पकड़े के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक बिचाशिक के दिले आए श्री मामत कहे सुनो साथ जी भया चर्चा का बखते अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन्हें तखत धामधनी अक्षरातीत श्री राज श्यामाजी
श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर प्रणामी पंचायत के समस्त सदस्यगण, परम आदरणीय परम माननीय परम पूज्य श्री श्री 108 श्री संत शिरोमन श्री सदानंद जी महाराज, परम आदरणीय कहो हमारे सोहनलाल बाऊ जी, परम आदरणीय श्री वंदना जी एवं समस्त सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, ए वचन व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन ये व्यास के ताको करो विचार। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारी कृष्ण प्रणामी धर्म श्री निजानंद संप्रदाय की जो परंपरा है, तीज और चौथ के व्रत के बाद आज पंचमी के दिन से वितक की शुभ आरंभ होती है। वितक मतलब क्या है? जैसे कि हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, श्री रामायण की कथा श्रवण करते हैं, पुराणों की कथा श्रवण करते हैं, तो वितक कथा भी हर साल हम सुनते हैं। वितक हमारे परमधाम की नियामत है, वितक हमारा जीवन है, क्योंकि वितक के माध्यम से हम सतगुरु स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की पहचान कर सकते हैं। वितक हमें महामति श्री प्राणनाथ जी 28वें कलयुग के निष्कलंक बुद्ध अवतार की पहचान कराता है, और वितक श्री श्यामा स्वरूपा श्री बाईजी राज महारानी उनकी सेवा त्याग और समर्पण सिखाता है। इतना ही नहीं, वितक हमें कहो तो मोमिनों की कुर्बानी जो आती है वो किस तरह से आत्मा को कुर्बान करना है, वो कुर्बानी सिखाता है। मतलब कि सेवा प्रेम और समर्पण हमें वितक सिखाता है। हम श्रीमुख वाणी जब पढ़ते हैं, और श्रीमुख वाणी के अंदर भी आप देखो तो सबसे पहले, जैसे अभी वितक का शुभारंभ हो रहा था या पारायण का शुभारंभ होता है, तो हम मंत्र की 6 चौपाई से उसकी शुरुआत करते हैं। तो श्रीमुख वाणी की चर्चा, श्रीमुख वाणी का प्रारंभ ही कहो तो वितक की तरह ही मंत्र की 5-6 चौपाइयों से होता है। और यहां हम देखेंगे तो वितक का शुभ आरंभ भी 6 दिन की लीला से होता है। श्रीमुख वाणी में अंतिम में जाकर के जब हम पढ़ते हैं अंतिम प्रकरण, उस प्रकरण के अंदर भी 6 चौपाइया है, और यह वितक के अंदर भी व्रज रास बरारब मम्मद साहेब की, सतगुरु स्वरूप की महामति श्री प्राणनाथ जी की, और 6ठा दिन मोमिनों की जागनी की लीला का, 6 दिन की लीला का वर्णन आता है वितक के अंदर। और आज हम देखेंगे वर्तमान के अंदर तो वितक बहुत सारी है, लगभग 29, 30 या उससे भी ज्यादा वितक भी हो सकती है समाज के अंदर। लेकिन सबसे प्रथम नंबर की और सबसे मुख्य वितक अगर मानी जाएगी तो वो है स्वामी श्री लालदास जी महाराज की वितक, क्योंकि महामति का आशीर्वाद है आसबाई सखी को, तो आसबाई सखी न आसबाई रही न लालदास जी महाराज रहे। जब हुक्म हुआ लालदास जी महाराज के ऊपर, तो स्वयं जो महामति की शक्ति थी श्री धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुक्म बुद्ध, ये 5ों मिल भई श्री महामति, तो ये 5ों शक्ति लालदास जी महाराज के अंदर भी आकर के विराजमान हो गई। तभी
जैसे वाणी के अंदर अंतिम चौपाई में आता है, प्रकरण के अंतिम में श्री महामत कहे, उसी तरह से यहां वितक के अंदर आप श्रवण करोगे, हर चौपाई आप पढ़ोगे तो अंतिम प्रकरण की अंतिम चौपाई के अंदर कहो, हर प्रकरण की अंतिम चौपाई में क्या आएगा, श्री महामत कहे। क्यों? क्योंकि लालदास जी महाराज ने यह अपने सिर पर नहीं लिया है, आसबाई सखी ने अपने सिर पर नहीं लिया है। जब महामति के हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है तो यह सारी शोभा भी कहो स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने महामति को दी है। इसीलिए जब श्रीमद् भागवत की कथा होती है और जो भी कथाकार होते हैं जिस आसन पर विराजमान होते हैं तो उसको व्यासपीठ या व्यासासन कहा जाता है। और जब कोई वितककार वितक करने के लिए बैठते हैं जिस आसन पर जाए, कोई भी वितककार हो, तो यह आसन किसी वितककार का नहीं है, यह आसन स्वामी श्री लालदास जी महाराज का आसन है। जैसे रामायण की कथा होती है तो सबसे पहले हनुमान जी की गद्दी लगती है और हनुमान जी का आह्वान किया जाता है और हनुमान जी कहते आकर के बैठते विराजमान होते हैं और कथा सुनते हैं। वैसे ही वितक के प्रारंभ में हम कहो तो सबसे पहले महामति का आह्वान करते हैं, स्वामी श्री लालदास जी महाराज का आह्वान करते हैं कि वो स्वयं आकर के उन्होंने जो महामति के हुक्म से जो वितक लिखी हुई है वही वितक सुनाए, उसी वितक को खोले समझाए करके। इस श्रावण मास के अंदर जब पंचमी से वितक का शुभारंभ होता है तो जैसे बारिश होती और बरसात के अंदर देखो तो यहां जो भी नदी नाला के अंदर गंदगी जमी हुई होती वो सभी गंदगी वो बारिश की जो धारा है वो प्रवाह है पानी का वो सब गंदगी को साफ कर देता है। उसी तरह से संसार के अंदर माया के अंदर व्यवहार के अंदर समाज के बीच में रह करके हमारे दिल दिमाग के अंदर बुद्धि के अंदर मन के अंदर जो भी गंदगी अंदर जमा हो जाती है जाने अनजाने में भी तो उन सब गंदगी को साफ करने के लिए फिर ये ज्ञान रूपी गंगा प्रवाहित होती है एक मास। जो हमें 11 महीने की हमारी एनर्जी पूरी देती है, बैटरी चार्ज कर देती है, जैसे कि शरीर को खुराक नहीं मिलेगा तो ये वजूद ये शरीर चलता नहीं, हमारे गुण अंग इंद्रिय चलते नहीं है। अगर मोबाइल को चलाना है तो उसके अंदर भी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, जब तक बैटरी हम चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल भी एक्टिव नहीं बनता है। उसी तरह से ये वजूद जिस वजूद को धारण किया हुआ है रूह ने आत्मा ने, उस आत्मा को भी अपना खुराक चाहिए, उसको भी एनर्जी चाहिए, उसकी भी बैटरी चार्ज करनी है। तो सत्संग के माध्यम से कथा के माध्यम से वितक के माध्यम से ही होती है। और जब एक मास हम यह कथा सुनते हैं यह किसकी, यह न सदगुरु की वितक है, न महामति श्री प्राणनाथ जी की वितक है, न बाईजोराज महारानी की वितक है, न महाराजा छत्रसाल की वितक है, न यह मोमिनों की वितक है। अगर कोई पूछे कि यह वितक किसकी है तो यह स्वयं हमारी अपनी वितक है। क्यों? क्योंकि सदगुरु हमारे हैं, प्राणनाथ जी हमारे हैं, बाईजोराज महारानी हमारी है, छत्रसाल जी हमारे हैं, लालदास जी महाराज हमारे हैं, मोमिन जब हमारी है एक दिली है तो वितक अन्य की कैसे हो सकती है। इसलिए अन्य की वितक नहीं है, ये स्वयं हमारी अपनी वितक है, जो वितक हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, जो वितक हमें अपनी रहनी सिखाती है। क्योंकि वितक के अंदर कई प्रकार के प्रसंग आते हैं विभिन्न प्रकार के, और श्री जी जहां जहां गए मोमिनों की जागनी की तो हर मोमिनों की जागनी आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार से हर मोमिनों की जागनी है। क्यों? क्योंकि हर मोमिनों की बीमारी अलग अलग थी, अलग अलग प्रकार की नींद लगी हुई थी, आत्म रोग लगा था,
लेकिन अलग अलग प्रकार से था। इसीलिए जिस प्रकार की बीमारी थी, रोग था, उसी प्रकार की दवाई दे करके महामति श्री प्राणनाथ जी ने उसकी रूह को जागृत किया है। तो इन अनेक प्रकारों मध्य से कहो तो एक प्रकार के अंदर हम भी आते हैं। हमारे अंदर भी किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई प्रकार से बीमारी है, और उस बीमारी को दूर करने के लिए हमें जो दवा चाहिए, जो औषधि चाहिए, वो औषधि हमें वित्तक के अंदर से ही मिलेगी। महामति श्री प्राणनाथ जी स्वयं साकी बन करके यह रस पिलाएंगे। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, क्योंकि आज समय बहुत हो चुका है, समय की भी मर्यादा है, इसलिए एक ही चौपाई में आज वित्तक को हम यहां विराम देंगे, और भविष्य पुराण जिसके अंदर कहो साक्षी दी गई है। क्यों भविष्य पुराण की साक्षी दी है, क्यों चार युग और चार युग के राजाओं का वर्णन किया गया है? ऐसे तो यत्र तत्र सर्वत्र साक्षी है बुद्ध निष्कलंक अवतार की, फिर भी यहां भविष्य पुराण की ही साक्षी स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने क्यों दी? और चार युग के राजाओं का वर्णन करके औरंगजेब को ला करके वहां क्यों छोड़ दिया? देखो सत्युग के अंदर नरसिंह अवतार मुख्य था, फिर त्रेता युग के अंदर जाओ तो राम अवतार मुख्य था, द्वापर में जाएंगे तो कृष्ण अवतार मुख्य था, और कलयुग के अंदर कहेंगे तो निष्कलंक बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार मुख्य है। तो नरसिंह अवतार की कथा आती है, उनको हम श्रवण करते हैं, सत्य की कथा को, त्रेता युग की कथा को श्रवण करते हैं, रामचंद्र भगवान की भी तक। जब द्वापर युग की कथा को हम श्रवण करते हैं तो फिर कलयुग के अंदर की कल्कि अवतार की कथा भी होनी चाहिए। अगर वितक शुभारंभ नहीं होता, अगर वितक की रचना नहीं होती, स्वामी श्री लालदास जी महाराज के ऊपर हुक्म नहीं होता वितक लिखने के लिए, तो निष्कलंक बुद्ध अवतार की जो कथा है वो कथा कभी भी सुनने को मिलती नहीं। किस तरह से उन्होंने लीला की बुद्ध अवतार ने, कल्कि अवतार ने। इसीलिए वितक जरूरी थी, और वितक हर साल आती, हमें लगता है ये तो परंपरा है, हमें सब कुछ आता है, हमें तो बाय हार्ड है, मुखारविंद है, सब प्रसंग हम जानते हैं, तो फिर सुनने की जरूरत क्या है? ऐसा भी कभी कभी लगता होगा, लेकिन नहीं, वचन वाला जीना, अपने प्रियतम के वचन है, अपनी जागनी की लीला है, स्वयं अपने महामति श्री प्राणनाथ जी की यह वितक है, और उनको हम नहीं सुनेंगे तो फिर क्या घर घर की कहानी सुनेंगे, सास बहू की कहानी सुनेंगे? नहीं, हर साल अगर वितक सुनते जाएंगे तो हर साल कुछ न कुछ कहो तो हमारे अंदर जब निष्ठा से हम श्रवण करेंगे तो जरूर परिवर्तन होता जाएगा। आज एक बीमारी दूर हुई है, अगले साल दूसरे अवगुण निकल सकता है, तीसरे साल तीसरा अवगुण निकल सकता है, और धीरे धीरे सुनते सुनते रूपाक पवित्र बन जाएगी। तो भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, यह भविष्य पुराण की साक्षी जो हिंदू जगत के गुरु है वेद व्यास, और वेद व्यास जी ने रचना की है पुराणों की, और अनंत पुराणों मध्य भविष्य पुराण की साक्षियां स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने रखी है, जिसके अंदर चार युग, सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और इस चारों युग के अंदर के राजाओं का नाम का भी वर्णन किया हुआ है, लेकिन फिर भी विशेष करके कहते हैं ताको करो विचार। जो अंतिम कलयुग के अंदर औरंगजेब जो शासन हुआ, और औरंगजेब राजा के शासन के अंदर जो अवतार हुआ, अब आगे अवतार होएगा बुद्ध कल के इस ठाम, उस अवतार के लिए विचार करने के लिए कह रहे स्वामी श्री लालदास जी महाराज। तो क्यों, किस प्रकार से वितक की रचना हुई, क्यों तीज का व्रत, क्यों चौथ का व्रत, क्यों पंचमी से ही वितक की शुरुआत, और फिर चार युग के राजा, और फिर
औरंगजेब के शासन में होने वाले बुद्ध निष्कलंक अवतार के विषय में हम श्रवण करेंगे कल। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, ए वचन व्यास के ताको करो विचार, ए वचन व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।